और हैंडी भी है काफी तरीके से. यस, तो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट सेफ्टी पोस्टर्स. सेफ्टी पोस्टर्स क्यों बनाना है हमें, व्हाई वी वांट सेफ्टी पोस्टर्स. वी हैव टू रिमाइंड पीपल टू फॉलो द रूल्स. द पोस्टर्स शुड ग्रैब द अटेंशन, राइट. इट शुड ऑल्सो डिस्प्ले सम वर्क प्लेस सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विजुअल इंस्ट्रक्शंस फॉर मिनिमाइजिंग द एक्सीडेंट्स एंड टू चेंज द बिलीफ ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग देयर. सो ये सारे क्या है हमारे पोस्टर बनाने के लिए, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा पोस्टर बनाने के लिए. ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा पोस्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए. व्हाट वी कैन से रिक्वायरमेंट ऑफ कैन से बेस्ट सेफ्टी पोस्टर. क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है एक सेफ्टी पोस्टर बनाने के लिए, और वो भी बेस्ट. व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच टाइम अ सेफ्टी पोस्टर इज बीइंग सीन बाय द पीपल. व्हाट डू यू थिंक टाइम फॉर watching the safety poster, this is a very important parameter to consider. Kitna hoga, anyone just guess? Maximum minute. Okay, you can guess in the chat box also, no issue. So we can say hardly first initial 2 to 3 seconds. Yeah, 10 seconds someone says, 3 seconds I will say. So there are first 3 seconds at which you should get you should grab a attention of this particular पीपल. और अगर आपने वो 3 सेकेंड का ग्रैप कर लिया उसका अटेंशन, देन व्हाट अबाउट द टाइम ड्यूरेशन दे विल स्पेंड ऑन रीडिंग द थरो इंफॉर्मेशन इन द सेफ्टी पोस्टर. व्हाट अबाउट द लोकेशन, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलिंग द सेफ्टी पोस्टर. एनी आइडियाज, एनी कमेंट्स अबाउट इट. कहाँ पे हम ये सेफ्टी पोस्टर लगा सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री में? High voltage area, okay. What else? People be participative in the class, okay. Entrance में, yes. तो मतलब पहले ही हम उनको क्या करके prepare करके अंदर भेज सकते हैं. Okay. What else? Entrance. Do you think canteen will be a best place to display safety posters? Enrollment number क्यों आया अभी? Okay. अभी join हो गए क्या? Okay. So we have some locations. Like canteen, entrance, entry gate, yes. Lift can be, or elevators can be a best place to display the safety poster, right? So what we want some free time with our audience. What we want is we should have the free time with our audience. और ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं? ये safety posters जो है वो install करते हैं. Okay. Apart from that, do you think that we should consider for better colors, or you can say color combination, right? So if the color is attractive or color is in the contrast, you can say, which is matching the theme, then the poster will be more attractive. Nowadays, which poster we generally see in our day-to-day life? Have you seen the poster, or you can say this kind of design? Like no mask, no entry. देखा है आपने? No mask, no entry. So how creatively it is designed? First of all, it indicates some lacunas also. और हम लोग देखते हैं अगर इंटरनेट पे हमें वो मिलता है क्या? No mask, no entry. ना ऐसे ही है ना? Poster, yes. So if we see on the Google, तो हमें बहुत सारे अलग-अलग variety के posters मिल रहे हैं. इसमें smiley बताया है. इसमें एक अलग अलग फेस बताया है, इसमें एक इंसान का फेस बताया है, यहाँ पे कॉशियस लिखा है, यहाँ पे नो मास्क नो एंट्री लिखा है. तो हम लोग जो देखते हैं, शायद हम मुंबई में रहते हैं तो हम लोग MCGM का देखते हैं. लेट्स सी, हाँ ये MCGM का ऐसा है, या ऐसा कुछ इसका है शायद ना, MCGM का ऐसा है मेरे ख्याल से. नाउ वी विल स्टडी दिस, दैट हाउ दिस पोस्टर इज क्रिएटेड. Do you think the color combination is considered here? Blue and red. Blue is something which is catching the eyes. Red is like you have to stop it. No entry. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Okay. After that, we have a logo. एक इंसान है घर का, उसने एक घर को हाथ में रखा है, and he says it's my responsibility.
माय फैमिली, इमोशनल टच है इसमें। तो द पोस्टर इज कलर कॉम्बिनेशन तो है, आफ्टर दैट द मैसेज शुड बी डिलीवर्ड विद द इमोशनल कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वाइल डिजाइनिंग द पोस्टर। उसके बाद और क्या यहाँ पे दिखता है आपको? डू यू थिंक दैट देर इज सो मच ऑफ टेक्स्ट? बहुत सारा टेक्स्ट दिख रहा है क्या आपको? वाई नो, बिकॉज ये देखने के बाद ऑडियंस के माइंड में सोच आनी चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब रीड करने के लिए। आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपका सोसाइटी के लिए सेफ्टी नहीं रहेगा, आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर वो जंतु आ सकते हैं, या फिर इफ यू नॉट वेयर द मास्क आप लोगों को वो डिसीज स्प्रेड कर सकते हो। तो ऐसी सारी बातें क्या हो जाएंगी, ये सब यहाँ पे अगर टेक्स्ट में लिख दिया तो कोई पढ़ेगा क्या? डेफिनेटली नो। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन को हम क्या करते हैं, विजुअल फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। तो जितना कम टेक्स्ट है उतना हमें ट्राई करना है। ओके, उसके बाद डू यू थिंक दैट ओनली अ ब्लैक और ब्लैंक स्क्रीन जो है वहां पे वो कुछ इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रही है? अच्छा, आप लोग दूसरा स्लाइड देख रहे हो क्या? ओके, नाउ वी विल सी दिस स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके अलावा सभी ब्लैंक दिख रहा है आपको। कैन यू सी दिस व्हाइट थिंग्स आर हियर, व्हाइट बैकग्राउंड जो है वो? तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? दैट वी कैन हैव दैट पोस्टर इज स्पेसिफाइंग इट्स ओन इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। उसका जो ओन इंफॉर्मेशन है वही क्या कर रहा है, वो ऑडियंस के पास पहुंचा रहा है। ओके, इतना समझ में आया आपको? नाउ कलर हो गया, इमोशनल कनेक्ट हो गया, देन वी हैव टू मिनिमाइज द टेक्स्ट ऑन पोस्टर। एंड व्हाई वी शुड मिनिमाइज, इसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया, राइट? ओके, नाउ यस, वी हैव टू यूज सिंबल, राइट? नाउ व्हाट इज द यूसेज ऑफ सिंबल? सिंबल्स क्यों यूज करना चाहिए हमें? एनीवन? ओके, सो अभी देखो यहाँ पे एक पोस्टर है, इन विच इन दिस पोस्टर यू कैन सी द पर्सन इज वर्किंग अलॉन्ग विद इट्स लाइफ गार्ड मैकेनिज्म है उसके पास। सबको पता है कि जो घड़ी का वो जिस पे खड़ा है वो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज घूमने वाला है, और जैसे ही वो घूमेगा व्हाट विल हैपन, द पर्सन विल फॉल डाउन, राइट? क्या हर एक ने उसके अपने अपने मन में ऐसा सोचा क्या ये पिक्चर देखने के बाद? 99% will people will think this way कि अगर ये जो काटा है वो क्या होगा, मूव करेगा तो ये गिरेगा, बराबर? नाउ व्हाट द पोस्टर क्रिएटर, अभी पोस्टर तो बन गया, हमें यहाँ पे इंटरनेट पे दिख रहा है वो पोस्टर, बट डेफिनेटली ये पोस्टर किसी ने बनाया होगा, तो उसके माइंड में क्या है वो हमें आज सीखना है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट अ वेरी गुड एंड एंगेजिंग एंड इफेक्टिव पोस्टर्स। अभी ये इफेक्टिव हमें क्यों बनाना है? बिकॉज ऑफ सच पोस्टर्स पीपल आर इन अ पोजिशन टू हेल्प देमसेल्फ टू मिनिमाइज द रिस्क एंड चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। अगर एक अच्छा पोस्टर आपने डिजाइन किया और वो पोस्टर आपके पोस्टर का जो कंटेंट है वो अगर किसी इंडस्ट्री में काम में आया, तो वो पोस्टर को देख के अगर कोई सेफ्टी फॉलो करने लगा तो आपके वजह से दुनिया में कुछ लोगों की जान जो है वो बच सकती है। एंड इसके लिए आज के लेक्चर में आप अटेंटिव रहना, आप आज के लेक्चर में आपका पूरा माइंड फोकस देना बहुत जरूरी है। सो आई होप यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एंड यू विल क्रिएट अ गुड कंटेंट, यू विल क्रिएट अ गुड पोस्टर, सेफ्टी पोस्टर, एंड विल हैव इट्स ओन डिस्प्ले। ओके, सो मेरे पास पुराने बैचेस के भी पोस्टर्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उन्होंने अपने पोस्टर को डिफाइन किया था, किस तरह से उन्होंने उनके पोस्टर को यू नो एक्सप्लेन किया था, एंड हाउ इट वॉज रिलेटेड विद देयर थिंकिंग प्रोसेस एंड द ऑडियंस थिंकिंग प्रोसेस। अभी हमें क्या मैच करना है, आप कैसे सोचते हो ये भी मैटर करता है, और आपका ऑडियंस किस तरह से सोचता है ये भी मैटर करता है।
तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हमें किस तरह से सोचना है ताकि हम एक अच्छा पोस्टर जो है वो बना सके। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, दिस पोस्टर विल टीच यू फर्स्ट ऑफ ऑल कलर कॉम्बिनेशन, पूरा ब्लू बैकग्राउंड है, बीच में यू हैव द टाइम, घड़ी दिखा रहे हैं। ओके, अभी घड़ी क्यों दिखा रहे हैं? बिकॉज द सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस? सेफ्टी इज अ फुल टाइम जॉब, डोंट मेक इट अ पार्ट टाइम प्रैक्टिस। हर समय जब आप काम पे हो तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फॉलो द सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी रूल्स। अच्छा, अभी ये क्यों करना है? क्योंकि एक्सीडेंट कब होगा या किसके वजह से होगा ये आपको पता नहीं है। यू डोंट नो हाउ व्हेन द एक्सीडेंट विल टेक प्लेस, हाउ मैसिव द एक्सीडेंट विल बी, एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्सीडेंट। और अगर हमने रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ढूंढ भी लिया तो आपको लगता है कि विक्टिम का जो नुकसान होता है क्या वो कम रहेगा? से फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हम चाइना की बात करेंगे तो उसके लैब में वो वायरस लीक हो गया समझो, अगर ऐसा मानते हैं ये थ्योरी को, तो जिसने वो वायरस लीक करवाया गलती से गिरा होगा, कुछ तो टूटा फूटा होगा, वो एक मिस्टेक की वजह से आज पूरा दुनिया क्या कर रहा है, उसका सफर कर रहा है, राइट? बट ब्लेमिंग दैट पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी इज आंसर टू ऑल दिस पीपल। अभी हम लोग जो मास्क लगा के घूम रहे हैं, बहुत सारे फैमिलीज में डेथ हो रहा है, ये सारी चीजें क्या अभी वो एक पर्सन को ब्लेम करके सॉल्व होने वाली है क्या? नहीं। सो जब भी कोई इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट शायद कोई एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बट जो विक्टिम है दैट विक्टिम इज पेइंग अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कॉस्ट। और हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम ये जो पर्टिकुलर काम, ये जो पर्टिकुलर कर रहे हैं, ये सारी चीजें, दिस इज ओनली फॉर मिनिमाइजिंग द लॉसेस, मिनिमाइजिंग द इफेक्ट टू द फैमिली एंड द पर्सन हु इज अ विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट और एनी अनसेफ बिहेवियर। सो इफ दिस थिंग रेजोनेट विथ यू, यू कैन पुट योर टोटल अटेंशन इन टूडेज क्लास। ओके, सो नाउ दिस इज द पोस्टर्स एग्जाम्पल इन विच वी हैव सीन द कलर कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद दैट द इंटेलेक्चुअल थिंकिंग ऑफ अ व्यूअर। व्यूअर इज गोइंग टू थिंक कि अगर टाइम आगे चला गया तो ये गिर जाएगा, गिर जाएगा तो उसके पास सेफ्टी का क्या है, वो वायर जो लगा है, सेफ्टी बेल्ट जो है वो उसका लगा है, लाइफ लाइन जो है उसकी वो वहां पे तैयार है। इसी प्रकार से हम और थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू थिंक द पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क इन अ इंडस्ट्री विल बी अ पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट? डू यू एग्री विथ मी? सो यूजिंग द लैंग्वेज विच इज रीजनल लैंग्वेज is one of the important parameter to consider. So we can say the language is, or language we can say language should be common and simple. Simple language में काफी अच्छे तरीके से हमें क्या करना है, audience तक अपना जो message है वो पहुंचाना है। इतना clear हुआ सबको? Everyone? Perfect. Safety is as simple as ABC. ABC को बड़े ब्लॉक में दिखाया है, ऑलवेज बी केयरफुल। मैसेज क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? ओके, अगेन वी हैव अनदर एग्जांपल, आवर एम नो एक्सीडेंट, अलग अलग सर्कल्स में दिखाया है। अगेन इमोशनल कनेक्ट, इट्स लाइक हम भी किसी का बात क्यों सुनते हैं, या भी कोई इंसान है वो इस पर्टिकुलर पिक्चर से इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है? से फॉर एग्जाम्पल, समवन इज वर्किंग इन अ केमिकल इंडस्ट्री, उसको केमिकल के ड्रम्स के अलावा कोई दूसरा विजुअल्स डेली लाइफ में उसके नहीं है, उसको इतना क्या करना है, एक जगह से वो ड्रम उठाना है दूसरे जगह पे डालना है, या एक जगह पे ड्रम उठाना है दूसरी जगह पे उसको एम्प्टी करना है, या एम्प्टी ड्रम लेके केमिकल से फिल करना है, किधर स्टोर करना है, ये उसका काम है। बट व्हाइल डूइंग हिज वर्क, व्हाइल डूइंग हिज जॉब, उसके माइंड में कभी वो जो डॉट गेम क्या बोलते हैं इसको, ऐसे वो मारने का जो गेम है उसके बारे में कभी उसको विजुअल्स नहीं दिख रहे, और अचानक से ये पोस्टर उसके सामने आता है। जो आदमी दिन का 8-9 घंटा 15 किलो 50 किलो के ड्रम्स के साथ काम कर रहा है, ड्रम्स मतलब कौन सा ड्रम्स की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना आपको?
दिस टाइप ऑफ ड्रम्स, ये ऐसे केमिकल के ड्रम्स होते हैं ना जिसमें काफी केमिकल वगैरह भरा रहता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, ये सब वो दिन भर देख रहा है और अचानक से उसके सामने ये पोस्टर आ जाता है। सो डू यू थिंक दिस कॉन्ट्रास्ट विल ग्रैब हिज अटेंशन? सो आपके पोस्टर में भी ये कॉन्ट्रास्ट वाला जो पार्ट है वो आना चाहिए, दैट शुड बी लाइक कॉन्ट्रास्ट ग्रैब्स अटेंशन। ओके, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। यस, जैसा मैंने बताया आपको, इमोशनल कनेक्ट सेफ्टी के साथ, इमोशनल कनेक्ट देना भी जरूरी है। बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर फैमिली इज यू गेट होम सेफली। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कि इस तरह से हम पोस्टर्स में से ये पॉइंट जो है वो हमारे पोस्टर में एड होने जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, मुझे बताओ कि ये पर्टिकुलर पोस्टर का जो मकसद है, क्या वो मकसद आपको 10, 20, am I audible to you or not? Hello? Yes, sir. Okay. So, ये पोस्टर्स का मतलब है कि वो आपको कुछ एक बुक की तरह 100, 200 चीजें नहीं सिखाने वाली है। हर एक पोस्टर का अपना एक ही पर्पज है और वो अगर पर्पज सॉल्व होता है तो आपका जो पोस्टर है वो आपने अच्छे से डिजाइन किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, देन द पोस्टर शुड ओनली फोकस ऑन द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर वो इसके अलावा केमिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या फिर वर्क एट हाइट, सेफ्टी एट वर्क एट हाइट, ये अगर सब देख रहा है वो पोस्टर में हम लोग दिखा रहे हैं, तो हमें उसका यू कैन से जो रिजल्ट हमें जो चाहिए पोस्टर से मिलने वाला जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। इतना क्लियर हुआ सबको एवरीवन? सो पोस्टर शुड हैव अ वन सिंगल स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑडियंस। ओके, ये पॉइंट समझ में आया आपको? वन सिंगल स्ट्रॉन्ग मैसेज टू आवर ऑडियंस, एक ही मैसेज देंगे चलेगा, बट हमारा पोस्टर जो है वो एक मैसेज भी इफेक्टिवली अगर उसने दिया, क्योंकि उसके पास क्या है, हाउ मच टाइम अ पर्सन हैज टू गो थ्रू द पोस्टर, लेस टाइम मोर इन्फ्लुएंस। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? लेस टाइम मोर इन्फ्लुएंस, दैट शुड बी द यस यस ओमकर, 10 सेकेंड्स में उसको वो मैसेज जो है वो डिलीवर होना चाहिए उसके माइंड में। ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। नाउ वी हैव वन एग्जाम्पल वेयर उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा खिचड़ी बनाया है और बीच में लिखा है वर्क सेफ बी सेफ। सो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट चेंजेस इन दिस पोस्टर? डू यू थिंक दैट वी शुड हैव सम चेंजेस इन दिस पोस्टर टू मेक इट मोर इफेक्टिव? डू यू थिंक सो, और डू यू थिंक दिस इज अ इफेक्टिव पोस्टर? वी कुड मेक इट लेस कॉम्प्लिकेटेड। क्या हुआ? द पोस्टर को लेस कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। हाँ, तो इसको देखने के बाद क्या हो रहा है, ऑडियंस इज थिंकिंग कि इधर देखू या उधर देखू, क्या देखू, बराबर? वेयर एज दिस इज ऑल्सो सिमिलर टाइप बट इट इज फोकसिंग ऑन ओनली 1, 2, 3, 4, 5 and 6 कैटेगरीज एंड अलोंग विद दैट द पर्सन इज इटसेल्फ वेयरिंग इट। डू यू थिंक दैट हेलमेट इज देयर, आई प्रोटेक्शन इज देयर, हैंड ग्लोव इज देयर, हैंड प्रोटेक्शन इज देयर, फुट प्रोटेक्शन इज देयर, राइट? He already wear the full body harness. Okay, perfect. Broken tools can be replaced. You can't. मतलब tools break हो गए तो चलेगा, but तुम break हो गए तो तुमको replace नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करो? Safety को follow करो। ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हमारे posters को बनाने की कोशिश करते हैं। Now again important, emotional भी है। यार ये बहुत ज्यादा ये मिनिमल्स, मतलब आपके जनरेशन के स्टूडेंट्स या आपकी जनरेशन के साथ ये होता है, आपके आइदर आपके कान में हेडफोन रहता है, हेडफोन पे कुछ गाने बजते रहते हैं, आप वो दुनिया में हो और ये दुनिया में क्या हो जाता है, किसी से टकरा जाते हो। उससे क्या होता है, शायद आपको कुछ लगे ना लगे, बट जो जिसको टकरा रहे हैं उसको, उसने भी शायद हेडफोन पहना होगा, वो भी आपके तरह हो सकता है, वो भी उसकी दुनिया में रहेगा अलग से और ये दुनिया में उसको
ये हो गया और वो गिर गया बेचारा, तो ऐसा सारा चीजें हो सकता है अभी। और इसके लिए सेफ्टी में ये बहुत जरूरी है कि वॉच आउट फॉर अदर्स, कि दूसरा लोग क्या कर रहा है, वो अपने रास्ते में आ रहा है क्या, या हम उसके रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ पे ये किसी दूसरे जगह पे देख रहा है और वहां पे उसने लैडर को क्या किया, ठोक दिया। लैडर को जैसे ही टकराया ऊपर से वो जो आदमी वहां पे काम कर रहा था वो गिरने का वहां पे सिंबल दिखाया है। सी द ब्यूटी और यू कैन से सी द कैपेसिटी ऑफ दैट पोस्टर क्रिएटर, जिसने भी ये पोस्टर बनाया है, ही ऑल्सो शोन अ शैडो, कैन यू ऑब्जर्व दैट, इट मीन्स यू हैव टू बी थिंकिंग अबाउट योर ऑडियंस, कि आपका ऑडियंस क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोस्टर, कि ये पोस्टर में सही क्या है और इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है। तो अलॉन्ग विद दिस वॉच आउट फॉर अदर्स, वी कैन ऑल्सो हैव अ स्लोगन विच विल बी डोंट वर्क अलोन, डोंट वर्क अलोन एट हाइट, कि जब भी आप किसी ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो आप क्या करो, अकेले वहां पे काम ना करो। दिस ऑल्सो कैन बी अ मैसेज टू द ऑडियंस, जितना गलती ये नीचे वाले पर्सन का है कि वो उसको ठोक दिया, उतना गलती ये ऊपर वाले का भी है, क्योंकि उसने क्या किया है, मैं बहुत शाना, मेरे को बहुत आता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट है, और ऐसा बोल के वो खुद ही क्या किया, वो लैडर पे चढ़ गया और अभी थोड़ी देर में गिर जाएगा। ये समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको आपके माइंड में क्या करनी है, सोचनी है, सो दैट यू कैन हैव अ बेस्ट पोस्टर फ्रॉम योर माइंड इनटू योर मोबाइल और इनटू योर, जिसको स्केच करने का अच्छा मन है, जिसको स्केचिंग करना अच्छा लगता है, वो स्केच बना सकता है, ओके, बाय यूजिंग द पेपर, पेन, ब्रश, पेंसिल। सो जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू मेक अ पोस्टर ऑन पेपर एंड ऑन अ डिजिटल मीडियम। डिजिटल पे कौन पोस्टर बनाना चाहता है और पेपर पे कौन बनाना चाहता है, ये मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, ऑलमोस्ट एवरीवन इज ट्राइंग टू से डिजिटल, पेपर पे कोई बनाना नहीं चाहते, क्यों ऐसा? ओके, नहीं आप तो सीख रहे हैं जॉफ्रेड, हम तो अभी सीख रहे हैं ना, वी आर लर्निंग, तो हम लोग धीरे धीरे सीखते सीखते पोस्टर कैसे बनाना है ये हम लोग सीख रहे हैं अभी। आई एम नॉट शोइंग यू द पोस्टर्स विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम सम ऑफ दीज वेबसाइट्स, बट यस यू विल टेक अ हेल्प ऑफ दीज वेबसाइट्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से करना है, ओके? तो ये बहुत सारे लोगों ने बनाया है पोस्टर, पोस्टर बनाना आसान है बट अच्छा पोस्टर बनाना डिफिकल्ट है। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से ये कब का है, फोटो मुझे आइडिया नहीं है, हाँ मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का ही है, 12/3 मतलब 12 मार्च का है, ओके। सो आई विल शोकेस यू व्हेन वी वेयर इन द इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट टाइम के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पोस्टर बनाया था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से उन्होंने पोस्टर में क्या क्या बताया है, किस तरह से वो पोस्टर में बताना चाहते हैं सेफ्टी को किस तरह से फॉलो करने के लिए। सो दिस, अगर आपको ये दिख रहा है अच्छे से, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस, दिस पोस्टर इज रिलेटेड विथ प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम फॉलिंग, हाउ टू प्रिवेंट दीज एक्सीडेंट्स एट वर्क एट हाइट। तो ये एक बनाया था, इसका था कि जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो सेफ्टी के ऊपर, वो एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ पोस्टर विच विल एड वैल्यू, पीपल विल थिंक यस कि ये पोस्टर्स जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो वर्कर्स है, हमारे जो सुपरवाइजर्स है, वो ये पोस्टर्स को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, ओके। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज रिलेटेड विद द व्हाई वी आर क्रिएटिंग अ पोस्टर, व्हाट आर द पॉइंट्स वी शुड कंसीडर व्हाइल मेकिंग दिस पोस्टर्स, एंड अभी जो हमें सोचना है, अभी जो हमें यहाँ पे सीखना है बेसिकली,
कि हम ये कैसे करेंगे, what are the steps, procedures. So are you all interested? So सबसे पहले जरूरी है पोस्टर बनाने के लिए यू शुड हैव अ हेलो, आर यू इंटरेस्टेड ऑल और नॉट, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, सो बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स, ऑल्सो राइट डाउन द नोट्स और पॉइंट्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर फोकसिंग ऑन द साइज प्लेसमेंट एंड हाउ इम्पोर्टेंटली यू आर गोइंग टू प्लेस यूर मैसेज फॉर द ऑडियंस. साइज ऑफ द पोस्टर, तो जितना आप पोस्टर हाई डेफिनेशन का बनाओगे उतना आपके लिए क्या होगा, वो पोस्टर बनाना आसान हो जाएगा. तो सब लोग बोल रहे हैं कि सबको डिजिटली पोस्टर बनाना है. ओके, सो आपके लिए कैनवा ऐप मैं सजेस्ट करता हूँ. यू हैव टू यूज द ऐप कॉल्ड एज कैनवा. तो हर एक के मोबाइल में वो कैनवा ऐप जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए. उसके बाद मैं आपके साथ एक फाइल, कैनवा की फाइल शेयर करूंगा. दैट फाइल इज रिलेटेड विद द से नॉट ए फोर, यू कैन से ए फोर से थोड़ा बड़ा ए थ्री साइज का पोस्टर हम बनाएंगे. ओके, सो ए थ्री साइज के पोस्टर में हमें क्या क्या करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो हम अभी आप देखने वाले हैं. सो इफ यू हैव अ पेपर एंड पेन इन फ्रंट ऑफ यू और इफ यू हैव एनी व्हाट यू कैन से इफ यू हैव एनी पेपर एंड पेन विथ यू और यू कैन यूज अ व्हाइट बोर्ड हियर ऑल्सो. देर इज वन ईमेल रिसीव टू यू राइट नाउ, एक ईमेल मिला होगा आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एक साइज जो है वो डिसाइड करना है हमारे पोस्टर के लिए. अभी मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं माउस पे यूज कर रहा हूँ इसको. तो बॉर्डर जो है उसका, ठीक है, एनीवेज आप समझ लेंगे. उसके बाद यहाँ पे जो ये एरिया है, दिस एरिया आपके पोस्टर का, इट शुड नॉट हैव, और ये जो एरिया है नीचे का, ये एरिया में आपको काफी स्मॉल साइज का टेक्स्ट जो है वो नहीं लिखना है. ओके, उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल हु डिजाइन पोस्टर्स ऑल्सो वर्क फॉर सम कंपनीज. ओके, कुछ कंपनीज के लिए क्या करेंगे, काम करते हैं. तभी कंपनी का जो लोगो होता है वो लोगो यहाँ पे लगाना क्या होता है, एडवाइजेबल है. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लोगो लगा सकते हो. ओके, लोगो का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे अगर जो आप लोगो लगाओगे, सो दिस लोगो विल बी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये जितना भी कंटेंट बनाया है ये कंटेंट उस कंपनी से रिलेटेड है, वो कंपनी के व्हाट यू कैन से पीपल के लिए या ओनर के लिए या फिर उनके वर्कर्स के लिए ये कंटेंट जो है वो काम का है. तो इस एरिया में क्या करना है, ये जो एरिया हमने देखा अभी यहाँ पे इतना सारा, यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, यू शुड नॉट यूज अ वेरी स्मॉल टेक्स्ट. यहाँ पे ये जो ऊपर और नीचे जो एरिया है वहां पे स्मॉल टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, यू शुड यूज अ बिग टेक्स्ट हियर. ओके, एंड इन बिटवीन यू कैन हैव, यहाँ पे जो एरिया है ये एरिया में आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो ये इंफॉर्मेशन से. ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. ये सर्कल देख के मुझे याद आया, सो आई विल क्रिएट वन पोस्टर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हियर. मुझे बताओ कि ये पोस्टर में मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई गलती से वाईफाई मत बोलना. ओके, सो अभी एक दो मिनट में मैंने अभी ये डिजाइन किया यहाँ पे. सो यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोस्टर. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. हेलो, मैं ऑडिबल टू यू? हाँ, सर, थिंग्स बराबर रखो नहीं तो गिर जाएंगे ऐसा. हाँ, बराबर का मतलब क्या है, मतलब प्रॉपर वाइज, मतलब बड़ा वाला नीचे फिर थोड़ा छोटा ऊपर फिर उससे ऑर्गेनाइज्ड हुए सर. हाँ, बराबर. तो छोटे के ऊपर अगर बड़ा रखा तो वो अनबैलेंस नहीं हो जाएगा, राइट? अनबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा. बट ये लेवल तक भी लोग क्या है आजकल सोचते नहीं है, कुछ भी चीज मिला हाथ पे रख दिया. जनरली ये तब होता है जब किधर स्क्रैप मटेरियल को कंपनी में उठाते हैं या रखते हैं, तो छोटा छोटा चीज पहले नीचे डाल देते हैं फिर उसके ऊपर बड़ा चीज डालेंगे और फिर थोड़ी देर में जितना भी मेहनत किया है वो सब इधर उधर क्या हो जाएगा, गिर के मिक्स हो जाएगा. अगेन वापस काम करो, फिर मतलब टाइम वेस्ट होगा. तो ये सारी चीजें, टाइम वेस्ट होगा वो चलेगा, बट अगर समझो उससे कोई
और दूसरा एक्सीडेंट हो गया, किसी के पैर को लगा या फिर कोई व्हीकल को डैमेज हो गया, तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ये ए टाइप के पोस्टर से लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि नहीं ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा करना है, दिस इज डूज, दिस इज डूज, दिस इज डोंट डू। ये समझ में आया आपको एवरीवन? यस सर। ओके परफेक्ट। सो अभी ये मैसेज के अलावा मेरे माइंड में जब मैं वो सर्कल ड्रॉ करने का कोशिश किया सबसे पहले, तभी मेरे माइंड में आया कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। ओके और ये जो पोस्टर का जो एक थीम है वो एक एक्सीडेंटली बन गया, स्टिल बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स, हैव द इमेजिनेशन, सो आई ट्राइड टू यूज इट एज अ पोस्टर के कंटेंट के लिए हम इसको ऐसा सोच सकते हैं, राइट? बट फॉर यू टू स्टार्ट विथ, यू फर्स्ट हैव अ पॉइंटर फॉर यू, यू फर्स्ट हैव अ क्लियर मैसेज प्रोसीजर। आई विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर, प्रोसीजर टू मेक यूअर फर्स्ट सेफ्टी पोस्टर। ओके लेट्स सी व्हाट इज दिस प्रोसीजर इन अ प्लेट फॉर यू, लेट्स सी। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर टॉपिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ओके व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स और यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ये प्रोसीजर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, या आइडेंटिफाई योर टॉपिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस। टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, वी हैव टू, साइज कहाँ पे आ गया भविष्य, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, दैट इज रिलेटेड विद द टॉपिक। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई योर टॉपिक एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ टॉपिक, टॉपिक आपने सोचा कि ये टॉपिक होना चाहिए, और वो टॉपिक के बाद आपने देखा कि ये टॉपिक का रिलेवेंस है क्या, जैसे कि रिलेवेंस का मतलब है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अभी ये पोस्टर हाईवे में ज्यादा सुटेबल रहेगा या पार्किंग में ज्यादा सुटेबल रहेगा या आउटसाइड अ बार सुटेबल रहेगा? हाईवे, हाईवे और आउटसाइड द बार भी सर, और आउटसाइड द बार। ओके इट मींस अगर हमें वो पर्टिकुलर मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है, हाईवे मतलब क्या है, यस द पर्सन हु इज ड्राइविंग व्हेन ही इज नॉट ड्रंक, दैट टाइम ही इज गेटिंग दैट मैसेज, तो हाईवे पे भी वो पोस्टर होना चाहिए। सेकंड पार्किंग में अगर हम बोलेंगे कि पार्किंग में वो मैसेज होना चाहिए, सो दैट ही इज नॉट ट्राइंग टू कमिट द सेम एक्टिविटी, एंड आउटसाइड द बार यस यू कैन से दैट, बट इट इज अ वेरी लेस इफेक्ट ऑन द पर्सन्स बिहेवियर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये देखना है कि जो हमारा टॉपिक है उसका बिहेवियरल इफेक्ट क्या है, बिहेवियरल इफेक्ट यू वॉन्ट टू क्रिएट। जो पर्सन ये पोस्टर देखेगा उसके ऊपर उसके बिहेवियर में क्या चेंज होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको किस तरह से वो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना है। थर्ड पॉइंट, यू हैव टू कम अप विद अ स्लोगन, कम अप विद अ अट्रैक्टिव स्लोगन। स्लोगन का यूसेज क्या है, स्लोगन इज समथिंग विच इज गेटिंग अ अटेंशन एंड अलोंग विद द अटेंशन देयर इज अ मैसेज इनबिल्ट इन दैट स्लोगन, बराबर। वो मैसेज तैयार हो गया आपका, वो लाइन तैयार हो गया, सो बिकॉज ऑफ दिस स्लोगन यू कैन गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल। नाउ आफ्टर अटेंशन यू हैव टू सिलेक्ट द इमोशनल कनेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट एन इमोशनल कनेक्ट। तो अगर आपने इमोशनल कनेक्ट उसके साथ जोड़ दिया तो आपके ऑडियंस का बिहेवियरल चेंज जो आपको चाहिए वो क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके आफ्टर दैट वी हैव टू नाउ डिसाइड फॉर द साइज, शेप, कलर एंड यू कैन से कैरेक्टर्स और इमेजेस, कैरेक्टर्स एंड इमेजेस रिलेटेड टू द टॉपिक। ओके नाउ यू डिसाइडेड कि हमें ये कलर में बनाना है, ये शेप होना चाहिए, उसका साइज इतना होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज इतना होना चाहिए। आप लोग देख क्या रहे हो भाई, आप जैम्बोरी देख रहे हो अभी तक? ओके हाँ, सो साइज, शेप, कलर, कैरेक्टर्स और इमेजेस, ये पॉइंट क्या होने चाहिए हमारे प्रोसीजर में आने चाहिए। ओके आफ्टर दैट वी हैव टू सी द स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेवेंस,
small aspects of relevance. Like you have seen in the poster, the shadow, the person who is not working with the assistant or a person along with someone to help him, guide him. Okay? ये समझ में आया आपको? Everyone? Yes. Okay. Now next point is, once you have created this poster or once you have created with this, what we have created till now, हमने टॉपिक आइडेंटिफाई किया, बिहेवियरल इफेक्ट आइडेंटिफाई किया, अट्रैक्टिव स्लोगन बनाया, इमोशनल कनेक्ट भी बनाया, साइज शेप्स आइडेंटिफाई किया, कलर भी आइडेंटिफाई किया, रिलेवेंस भी समझ में लिया कि ये ऐसा ऐसा है. सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको बोलते हैं CTA. व्हाट इज द फुल फॉर्म CTA? एनीवन? जस्ट टाइप CTA इन द चैट बॉक्स. अभी समझो आपको CTA. CTA का फुल फॉर्म है, एनीवन? कॉल टू एक्शन. CTA का फुल फॉर्म है कॉल टू एक्शन. सो आई कॉल टू एक्शन में क्या है, मैंने आपको बताया, जस्ट टाइप CTA इन द चैट बॉक्स. आई गिव यू द CTA. मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में CTA टाइप करना है. एंड आफ्टर लिसनिंग टू माई कॉल यू टूक एक्शन एंड यू टाइप दैट CTA इन द चैट बॉक्स, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू. नाउ सेम थिंग योर पोस्टर शुड बी इन अ पोजिशन टू डू. तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के यहाँ पे देर इज अ पोस्टर जहाँ पे लिखा रहता है एंटी करप्शन ब्यूरो. एंटी करप्शन ब्यूरो, और अगर किसी ने करप्शन किया तो आप ये नंबर पे फोन कीजिए, और वहां पे फोन नंबर लिखा रहता है. हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस? चलो इससे थोड़ा और बेटर एग्जांपल लेते हैं. इफ यू हैव बीन टू एनी व्हीकल, कुछ व्हीकल्स के पीछे लिखा रहता है कि अगर ये ड्राइवर रैश गाड़ी चला रहा है तो आप हमें ये नंबर पे फोन करके ड्राइवर का कंप्लेंट कीजिए. कितने लोगों ने ऐसा पोस्टर देखा है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स. अभी आपको लगता है कि वो रैश ड्राइविंग करने वाला इंसान, ये आदमी को वो नंबर लिखने के लिए, उसका फोटो निकालने के लिए, उसको कॉल करने के लिए रुकेगा उधर, अगर वो सच में रैश ड्राइविंग कर रहे तो? डेफिनेटली नो, राइट? तो इसी तरह से हमारा जो CTA है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, इफ द CTA इज स्ट्रांग एंड द पीपल टेक एक्शन विद द हेल्प ऑफ योर CTA, देन योर पोस्टर विल बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव पोस्टर. अगर लोगों को समझा ही नहीं आपका पोस्टर क्या है, तो क्या वो आपका CTA फॉलो करेंगे? डेफिनेटली नो. यस, यू आर राइट. सो दिस ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड टू हैव द बेस्ट पोस्टर रिलेटेड विद द सेफ्टी. अभी पॉइंट ऐसा है कि सेफ्टी के लिए टॉपिक्स, और कौन से टॉपिक पे हम ये सेफ्टी पोस्टर बनाएंगे. ओके, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट यू शुड आस्क मी. तो सर हमें अभी पता चल गया कि सेफ्टी पोस्टर किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और उसमें किस तरह से आप आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आप इसमें क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, एंड फॉर दैट पर्पस नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू द टॉपिक. सो आर यू ऑल रेडी टू हैव अ टॉपिक फॉर क्रिएटिंग एन अमेजिंग पोस्टर? एक काफी अच्छा पोस्टर बनाने के लिए क्या आप रेडी है अभी? Just type ready in the chat box. Let me see how many of you are ready. Yes, Rohit is ready. Perfect. Okay. So now I will be giving you some topics as per your enrollment number. I hope that will be a better way to give you the topics, right? Or you want to choose your own topic? आप आपका topic खुद चुनेंगे या मैं आपको topic दू? What do you want? Sir, तुम्हें topic दे sir. मैं topic दू? Yes sir, आप ही दो. या आप, या आपको किसी को भी ऐसा, को ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि सर मैं ये टॉपिक पे बनाएगा, मेरे को ये टॉपिक में इंटरेस्ट है? जस्ट बी फ्रैंक. किसको किसको लगता है कि मेरे पास ये टॉपिक पे बनने के लिए कुछ आइडिया है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट फ्रीडम टू चूज टॉपिक? जस्ट टाइप फ्रीडम इन द चैट बॉक्स, तो उनका टॉपिक वो खुद सिलेक्ट करेंगे. अगर आपने आपका खुद का टॉपिक सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा, आपका जो पोस्टर का क्वालिटी रहेगा, दैट विल बी अगेन अ गुड. That is my perspective, okay? Because you know a little bit more about that topic with compared to the topic which I will be giving you. So Mitesh says freedom, okay? और कौन है? Freedom चाहिए जिनको topic का? Rohit को भी चाहिए, yes. Saili को भी चाहिए, okay? Mitesh, okay.
सो पहला फ्रीडम वाला कौन है? मितेश. मितेश जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हिच टॉपिक यू वांट टू टेक. बेस्ड ऑन इंडस्ट्री सर. व्हिच इंडस्ट्री? आई थिंक सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज इन इंडस्ट्री. ओके, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? डू यू थिंक वेल्डिंग इज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्विसेज? So it can be part of electrical services by providing like structure for electrical cables and all. Electrical cables. Yeah, cable tray and all. We need a welding machine and cutting machine. Okay. So if we talk about the welding process, so welding karte waqt, is there any chance of accident? Yeah, chances of getting fire due to. So it is a question of yes or no. Yes. Okay. So welding करते वक्त कुछ accident हो सकते हैं और उसे हमें prevent करना है. And for that purpose, Mitesh want to create a poster, right, Mitesh? Yes, sir. Okay. So your topic is safety related with welding procedure, electrical welding. Okay. सो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करते वक्त क्या क्या आपको सेफ्टी फॉलो करना है वो आप उसमें दिखा सकते हो. ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, नेक्स्ट कौन है? रोहित. रोहित अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ, तुम्हारे माइंड में क्या है, क्या टॉपिक है? सर, शार्प ऑब्जेक्ट्स रहते हैं तो उस पे सेफ्टी के लिए पोस्टर बनाना. तो मास्क घालून बोलतो है का? हेलो, आवाज नहीं येत. हेलो. हाँ बोल. हाँ बोल. शार्प ऑब्जेक्ट असतात ना त्याच्यावर. ओके, सो शार्प ऑब्जेक्ट. शार्प ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? सर, बघितलं तर सगळीकडेच होतं, सगळीकडे शार्प ऑब्जेक्ट असतात. नो, इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज होता है? कैन वी से दैट शार्प ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड विद द टूल्स, जैसे ड्रिल मशीन है, या फिर आपका स्क्रू ड्राइवर है, या फिर चीजल है, या कटिंग नाइफ है, वायर स्ट्रिपर है, राइट? तो यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट्स बोलो अभी. ओके, सो यहाँ पे जो शार्प ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं अनसेफ एक्ट. अनसेफ एक्ट के लिए क्या हो सकते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, राइट? सो सेफ्टी रिलेटेड विद द पावर टूल्स और सेफ्टी रिलेटेड विद द शार्प ऑब्जेक्ट फॉर प्रिवेंटिंग अनसेफ, ऐसे टॉपिक पे तुम क्या कर सकते हो, ये पोस्टर जो है वो बना सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव साइली. साइली, साइली कहाँ पे? साइली जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हिच टॉपिक यू वांट टू क्रिएट पोस्टर ऑन. नेक्स्ट कौन है? शाहिल. शाहिल देयर? ओके, सो मेक श्योर यू कीप योर टॉपिक रेडी इन योर माइंड. एवरीवन, आई गिव यू ऑल फ्रीडम. और आपको क्या करना है, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर और आपका टॉपिक जो है वो वहां पे ये करना है, क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट करना है. तो एक फाइल है ग्लोसरी ऑफ सेफ्टी टर्मिनोलॉजी, और ऐसे करके आपको बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर मिलेंगे. इट कैन बी फ्रॉम फायर प्रिकॉशन, फायर प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस, FTA, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, फंक्शनल सेफ्टी, HSE, HSL. ओके, तो ये PDF आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो आपके टॉपिक सिलेक्शन के लिए. ओके, सो आप क्या करो, सब लोग इसको गो थ्रू कीजिए. एंड डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैव सम क्लासेस ना, यू कैन गो फॉर द क्लासेस एट 6. हम लोग अभी 2 मिनट में बंद कर रहे हैं लेक्चर. तो ओनली थिंग इज दैट व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे इज वी हैव सीन द इफेक्टिव वे ऑफ क्रिएटिंग द सेफ्टी पोस्टर. एंड द असाइनमेंट फॉर टुडे इज you have to select your topic and you will submit in the WhatsApp group that you will be having this topic for the poster making. और अगले हफ्ते आपको इसका poster जो है वो बनाना है. वो हम क्या करेंगे, उसका assignment का जो page है वो आपको वहाँ पे create करेंगे, जिसमें आप assignment जो है वो सब